बीजेपी ने पहले महबूबा सरकार से नाता तोड़कर सियासी हलचल मचाई और अब बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता के एक बयान ने तमाम विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल महबूबा सरकार में डिप्टी सीएम रहे कविंद्र गुप्ता ने एक बयान में कहा, मुझे नहीं लगता कि राज्य में नई सरकार जल्दी बनेगी। जम्मू कश्मीर में अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन हम लोग किसी चीज पर काम कर रहे हैं। कविंद्र गुप्ता के इस बयान से विपक्षी पार्टियों को उनके विधायक के टूटने की आशंका सताने लगी है। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को भी अपने विधायक पर भरोसा नहीं है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, पूर्व डिप्टी सीएम खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वह सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी। वैसे 15 विधायकों वाले उमर अब्दुल्ला को अपने विधायकों के टूटने का डर भले ही सता रहा हो, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई कदम शायद ही उठाए, क्योंकि माना जा रहा है कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी के प्रति जो माहौल बन रहा है उसे बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी। हालांकि कविंद्र गुप्ता का बयान यह भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी फिर से कुछ बड़ा करने वाली है। फिलहाल तो प्रदेश में राज्यपाल शासन लग रहा है, अब देखना है कि आगे क्या होता है।